लगता है बीजेपी सरकार चुनाव से पहले हारती नजर आ रही है। पार्टी में बगावत के कारण लोग इस प्रकार अलग हो रहे हैं मानो किसी पेड़ से सारे पत्ते गिर रहे हों। बीजेपी की पार्टी में टिकट की मारामारी इस समय बहुत ज्यादा बढ़ गई है। टिकट न मिलने से कोई बगावत पर उतर रहा है तो कोई निर्दलीय खड़ा हो रहा है। भाजपा सरकार में इस समय माहौल इस प्रकार बना है कि वह चुनाव से पहले ही बैकफुट पर नजर आ रही है। चुनाव को लेकर नामों का चयन करना काफी मुश्किल हो गया है। पार्टियों में लोग अपने ही नामों को आगे रख रहे हैं। इन्हीं विवादों के चलते मध्य प्रदेश में भी एक सांसद ने बीजेपी से अलग होने की धमकी दे दी है। मध्य प्रदेश के शहडोल से सांसद ज्ञान सिंह ने बीजेपी को चेतावनी दी है कि अगर पार्टी उन्हें टिकट न देने के फैसले पर दोबारा नहीं सोचती है तो वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगे। उन्होंने यह दलील दी है कि नोटबंदी के बाद हुए उपचुनाव में भी उन्होंने जीत दर्ज की थी। बता दें कि शहडोल लोकसभा सीट पर उपचुनाव नोटबंदी के 11 दिन बाद 19 नवंबर 2016 को हुए थे। इस वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस प्रत्याशी हिमांद्री सिंह को 60,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। इस साल 20 मार्च को हिमांद्री ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। बीजेपी द्वारा 23 मार्च को जारी की गई प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में हिमांद्री का नाम है। ज्ञान सिंह पार्टी के इस फैसले से बेहद नाराज हैं और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की धमकी दी है। सिंह का कहना है कि वह हिमांद्री को 4 पूर्व बीजेपी विधायकों की मदद से हराने के लिए काम करेंगे। ज्ञान सिंह के मुताबिक 2 वर्तमान बीजेपी विधायक भी इस काम में उनकी मदद करेंगे, परंतु उन्होंने दोनों के नामों का खुलासा करने से मना कर दिया है। ज्ञान सिंह ने कहा, मैं नोटबंदी के बावजूद जीता, मैं उस प्रत्याशी के लिए कैसे वोट मांग सकता हूं जिसे मैंने 2 साल पहले हराया था। पार्टी के टिकट ना देने के फैसले से ज्ञान सिंह काफी नाराज हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का व्यवसायीकरण हो गया है। उन्होंने इसे पैसा फेंको तमाशा देखो का मामला बताया, हालांकि उन्होंने इस बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा। ज्ञान सिंह शिवराज सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्री थे। जब पार्टी ने उन्हें उपचुनाव में उतरने का आदेश दिया, सिंह ने कहा, मैं आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखता हूं और मेरे पास धनबल बाहुबल और छलबल नहीं है। बता दें कि हिमांद्री पूर्व केंद्र मंत्री दलवीर सिंह की बेटी हैं। पिछले कुछ दिनों से वह सिंह को मनाने में जुटी हैं, लेकिन कामयाबी नहीं हो पाई। वहीं सिंह ने कहा, अगर वह मेरे दरवाजे पर भी आ जाती हैं तो मैं उनसे दोबारा मिलने से इनकार कर दूंगा। मैंने उनके खिलाफ बोला है, अब मैं उनसे मुलाकात क्यों करूं? उधर बीजेपी प्रवक्ता लोकेंद्र परासर का कहना है कि अगर वह ऐसा करते हैं जैसा वह धमकी दे रहे हैं तो पार्टी के पास इससे निपटने का तरीका है। ये माहौल देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने ही लोगों से लड़ रही है। टिकट की मारामारी ने अब यह साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी चुनाव में हारती है तो वह अपने ही लोगों की वजह से हारेगी। झूठों की और सूट बूट की सरकार कहलाने वाली भाजपा अब अपने ही लोगों की बगावत से जूझ रही है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।